दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये लोग अपनी छोटी छोटी पार्टी के लिए राहगीरों को निशाना बनाते हैं और कुछ दिनों पहले ही इन्होंने दिल्ली कैंट इलाके में एक कैब ड्राइवर से बीड़ी मांगने के बहाने उसके साथ मारपीट की और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित कैब ड्राइवर की शिकायत के बाद ही पुलिस ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी। इंस्पेक्टर एटीएस के नेतृत्व में जो राजेश मलिक और इनके एसीपी अभिनेंदर जो हमारे ऑपरेशन इंचार्ज हैं, इनके सुपरविजन के अंदर एक और बहुत अच्छी उपलब्धि आज साउथ वेस्ट को हासिल हुई है। एक दिल्ली कैंट के इलाके के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी जिसमें नरेश नाम का एक ड्राइवर था जो झड़ेरा गाँव में रहता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और घर जाने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से दो लड़के आते हैं और उससे माचिस मांगते हैं सिगरेट जलाने के बहाने, और जैसे ही वो अपना बाहर निकलता है उनको माचिस देने के लिए और उसके पीछे से लड़के उसको गिरफ्त में लेके गला चोक करके उससे उसका मोबाइल और कुछ पैसे छीन लेते हैं। इसके बारे में हमारी बहुत सारी टीम्स बन गई और उस पर काफ़ी काम हुआ। इसमें अहम चीज़ हमने ये देखी कि इस तरह की जो वारदात है उसमें कितने हमारे इस तरह के क्रिमिनल्स रहे हैं जो हाल फिलहाल में भी जेल से बाहर आए हैं, उनकी एक बहुत ही मेटिकुलसली वेरिफिकेशन हमने करी और इसी के थ्रू हमने लोकेट किया आशीष अलियास धानू नाम का एक 19 साल का लड़का है और इसका साथी प्रथम अलियास आसू। इन्होंने 4 नाबालिग लड़कों के साथ मिलके छोटी आसान पार्टीज अपनी जो होती हैं कि भाई आज सर्दी आ गई तो चलिए बढ़िया कुछ चिकन खाएंगे या शराब पियेंगे, इस तरह की छोटी छोटी पार्टीज़ करने के लिए इस प्रलोभन से इन बच्चों को ये साथ में गुमराह करते थे। और इनका शिकार वो होता था कि जो आदमी इनको ऐसे ड्यूटी ऑफ करके रात में अकेला जाता पाया गया या देर रात में कोई आदमी बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहा है बस का, टैक्सी का, ऑटो का, ऐसे आदमी को ये अपना शिकार बनाते थे और इनको हमने हमारी एटीएस की टीम ने पकड़ लिया। ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इन अपराधियों की तलाश के लिए एक टीम का गठन किया जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिसमें 4 अपराधी नाबालिग हैं। ये लोग अपने ऐशो आराम और पार्टीज के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूट का एक फोन और 5,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं और इनसे पूछताछ जारी है ताकि इनके अपराधों की फहरिस्त खोली जा सके। दिल्ली से विजय कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।